मैं डॉक्टर पीयूष देसाई फ्रॉम सूरत। डायबिटीज इंडिया 2023 में मेरा टॉपिक था टू स्पीक ऑन व्हाट आर द पिटफॉल्स इन थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि थायराइड आज की तारीख में डायबिटीज से भी ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एंड उसके लिए हमारे पास एकदम सिंपल टेस्ट है T3, T4 एंड TSA। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो कितने लंबे टाइम से जो बल्क में फिजिकल चेकिंग या फुल बॉडी चेकअप पे रिपोर्ट होते हैं उसमें बॉर्डरलाइन TSA ज़्यादा आना, बॉर्डरलाइन T3 लो होना बहुत कॉमन है। पर ये ऐसे डिफरेंस हो सकता है, बायोकेमिकल एसेस बहुत टाइप के होते हैं जिसकी वजह से आपके थायराइड प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ सकता है नॉर्मल थायराइड होने के बावजूद। कभी कभार हेयर के लिए बायोटिन जो बहुत कॉमनली आजकल लोग लेते हैं उसकी वजह से थायराइड प्रोफाइल में चेंज आता है। कभी कभार सेंट्रली मतलब स्ट्रेस की वजह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भी थायराइड फंक्शन पे असर होता है जिसकी वजह से भी थायराइड प्रोफाइल चेंज आती है। मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन या अगर आप बीमार हो, अगर आपको मलेरिया डेंगू डायरिया हुआ है और अगर उस टाइम पे अगर आपका थायराइड चेक हुआ है तो भी वो थायराइड सब क्लिनिकली हाई आ सकता है। सो एवरी एबनॉर्मल थायराइड रिपोर्ट डजंट रिक्वायर ट्रीटमेंट। बट एट द सेम टाइम मैं इतना कहना चाहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज इन एंडोक्राइन फील्ड। तो एवरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, या एवरी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल आफ्टर 45 और 50 ईयर ऑफ एज और एनी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट एंड ईच एंड एवरी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट शुड स्क्रीन देम फॉर थायराइड। And for thyroid, the basic screening test is TSH, thyroid stimulating hormone. और अगर TSH में कुछ abnormality पाई जाती है, then we should go for free T3, free T4 and TSH. Thyroid profile standard lab में chemiluminescence assay से द्वारा किया जाए वही better है। उसको आप अपने doctors को दिखा के उसको clinically correlate करो and then only start thyroxin treatment if it is required. थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो आपको इंस्टेंट चेंज या इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करके देगी। इट हैपन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू ओबेसिटी। लोग थायराइड की मेडिसिन सिर्फ ओबेसिटी को कम करने के लिए लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम। सो अगर थायराइड का प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कीजिए एंड ट्रीट देम अर्ली ताकि आप उसकी बीमारियों से, उसके द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। Thank you.